बहुत समय पहले की बात है, एक पुलिस थाने में पुलिस के पास एक रिपोर्ट आई, एक केस आया जिसमें एक बूढ़ी महिला आके अपने भाई पे कंप्लेन करती है। साहब मुझे ना, मैं अपने भाई पे क्लेम करना चाहती हूँ। किस बात पे? मेरा भाई 80 साल का है, मेरी माँ 100 साल की हैं। मेरे भाई हमेशा से जिंदगी भर माँ को अपने पास रखे और हमेशा स्वर्ग का भोग किया। मैं अपनी माँ को अपने पास रखना चाहती हूँ। मेरे भाई बूढ़े हो गए हैं, वो भी अपना ख्याल नहीं रख सकते अपना सही से, लेकिन फिर भी वो माँ का ख्याल रखते हैं। तो अब अपनी माँ का ख्याल मैं रखना चाहती हूँ। हाँ तो ठीक है, बोलो उसको, वो भेज देगा। बुलाओ, कहाँ पे है वो? ए क्या भाई, माँ के रखते हो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और तुम यार इतना बुजुर्ग हो गए हो और फिर भी माँ का इतना ख्याल रखते हो? साहब वो माँ है, वो स्वर्ग है मेरा, सब कुछ वहीं पे है, माँ के आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है। वो स्वर्ग है मेरा, मैं अपनी माँ से अलग नहीं हो सकता। ये बात सुन के पुलिस वाले का मन ठनका। वो सोचा, यार लोग कैसे कैसे होते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं बूढ़े होने पे, और ये खुद बूढ़ा हो गया है लेकिन अपनी माँ को अलग नहीं कर रहा है। अब वो दुविधा में पड़ गया, यार क्या बताऊँ। देखिए साहब, आप बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और आप अपनी माँ का ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप भी अभी वृद्ध हो गए हैं। आपकी बहन अपनी माँ को अपने पास रखना चाहती है, तो जाने दीजिए, माता जी क्या कहती हैं? माता जी बोलिए, आप किसके साथ रहना पसंद करेंगी, बेटे के साथ या बेटी के साथ? बाबू मैं किसके साथ रहूं, दोनों मेरे ही बच्चे हैं, मैं कैसे कहूं कि मैं अपने बेटे को छोड़ दूं या अपने बेटी को छोड़ दूं? मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती बाबू। इस बात पे पुलिस वाले का दिमाग खराब हुआ, वो ना उसकी आंखें भर आई, यार अब मैं कैसे क्या करूं, क्या बताऊं। ये सोच के वो थोड़ा सा घबराया और उसकी आंखों में पानी आ गया कि माँ को इतना प्यार दे रहे हैं लोग और मैं अपनी माँ को पूछता भी नहीं हूँ। माता जी मैं अब ये भी नहीं कह सकता कि कुछ दिन तक आप अपने बेटे के साथ रहें, कुछ दिन तक अपने बेटी के साथ रहें, क्योंकि जब आपका मन ही नहीं है, आप जब क्लियर नहीं कर पा रही हैं कि मैं बेटी के साथ रहूं या बेटे के साथ रहूं। इसके बाद पुलिस वाले ने फिर उस व्यक्ति से कहा, सज्जन जी आप बहुत ही अच्छे आदमी हैं, कृपा करके अपनी माँ को अपनी बहन के पास भेज दीजिए, कुछ दिन तक वो रहेंगे फिर वो आ जाएंगे, आप उनको ला दीजिएगा। वो बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा, नहीं साहब मैं माँ के बिना नहीं रह सकता साहब, वो मेरा स्वर्ग है, मैं उसे दूर नहीं रह सकता साहब। और इसके बाद से वो रोता चला गया। इसकी बातों को सुन के सबकी आंखों में पानी आ गया और सब रोने लग गए। फिर पुलिस वाले ने कहा, बहन आप बताओ मैं क्या करूं, आपके भाई माँ के साथ रहना चाहते हैं, आप भी माँ के साथ रहना चाहती हैं, और माँ
आप दोनों के साथ रहना चाहती हैं, मतलब किसी के साथ भी रह लेंगी वो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटे के साथ रहेंगे, बेटे के साथ नहीं रहेंगे। तो जब भाई इनसे अलग नहीं रह सकता है, तो क्या बताऊं मैं, कैसे आपकी समस्या का समाधान करूं? ठीक है, तो माँ जो हैं बेटे के साथ रहेंगी और आप आके माँ के पास रह लीजिए, क्योंकि आप तो भाई के घर पे रह सकती हैं, लेकिन भाई आपके घर पे ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। बताइए। ठीक है साहब, लेकिन मेरे घर पे बच्चे सब हैं, वो सब भी बोल रहे थे कि नानी को लेके आना। देखिए, अभी माँ को अगर दुख होता तो माँ खुद कहती कि नहीं, मैं अपने बेटी के घर पे जाऊँगी। लेकिन माँ को कोई दिक्कत नहीं है, माँ ये नहीं चाहती कि आपके साथ ना रहें या बेटे के साथ ना रहें, वो किसी के साथ भी रहना पसंद कर रही हैं। लेकिन जो भाई है, देखिए कितने बूढ़े हो गए हैं, बुज़ुर्ग हो गए हैं। साहब मैं इसी तो कह रही हूँ कि भैया बूढ़े हो गए हैं, तो अब मेरे पास भेज दे माता को। मेरी उम्र 85 नहीं है, 75 साल है मेरी उम्र, तो मैं संभाल लूँगी माता जी को। लेकिन भैया, नहीं बहना, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, मैं बस बुज़ुर्ग हुआ हूँ, 80 साल का हूँ तो क्या हुआ, माता का ख्याल मैं रखता हूँ, रख लूँगा। क्या बताऊँ मैं, और इनकी बातों को फिर वो पुलिस वाला बोला कि ठीक है, तो मेरा फैसला ये है कि बहन आप अपना काम जो है बच्चों पे छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे आके रहिए, माँ की सेवा कीजिए, और जब आपको कोई काम आए तो अपने घर जाएं और फिर अपना काम करके यहाँ पे आ जाएं, और इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मैं अपने बेटे को अलग कर सकते हैं माँ, और ना ही बेटी को, तो बस अब मैं यही कर सकता हूँ। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ही बताएं, मैं कैसे सलूशन निकालूंगी इसका। ठीक है साहब, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। और इसके बाद से तीनों लोग अपने घर चले गए। दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? बहुत 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 बार ऐसा हुआ है और होता ही जा रहा है कि बेटे जब जवान हो जा रहे हैं तो माँ का ख्याल नहीं रख रहे हैं, वो माँ को छोड़ दे रहे हैं। माँ बूढ़ी हो गई हैं, वो खुद खाना बना रही हैं, खुद खा रही हैं, कोई सेवा पानी करने वाला नहीं है उनका। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि कृपा करके माँ बाप को ऐसे ना छोड़ें। धन्यवाद।